नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अब यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना में गुमराह कर भर्ती कराए गए भारतीय नागरिकों की वापसी का पेंच उलझा हुआ है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात हुई थी और इस मामले को उन्होंने उठाया भी था, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझने और भारतीयों की वापसी का कोई रास्ता नहीं बन पाया है। ऐसे में सरकार आखिर क्या कह रही है, क्या कर रही है? कुछ ऐसे ही सवाल देश की संसद में उठे, जिस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा और इस मामले को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, इसी पर करेंगे इस पूरे वीडियो में बात। लोकसभा में आज रूसी सेना और उसमें भर्ती भारतीय नागरिकों को लेकर सवाल उठाए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि अब तक 91 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है, जिनमें से 8 भारतीयों की अब तक जान जा चुकी है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक केवल 14 भारतीयों की वापसी हो सकी है, लेकिन 69 भारतीय अभी भी रूसी सेना में हैं और यूक्रेन के साथ जंग के मोर्चे पर उनकी तैनाती है, उनकी रिहाई का इंतजार किया जा रहा है। यह तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने जोर देकर यह भी संसद में कहा कि उनके और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच अब तक कई बार इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात के बाद कहा गया कि रूस ने अपनी सेना में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जल्द रिलीज करने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं और इसलिए उनकी तरफ से दिया गया भरोसा बेहद मायने रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात के करीब 4 हफ्ते बाद भी अभी तक इसका मामला सुलझ नहीं पाया है, यानी भारतीयों की वापसी का कोई रास्ता नहीं बन पाया है। और भारतीय जब तक नहीं छूटते तब तक उनके परिवार वाले अभी भी यहां चिंतित हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले को लेकर रूसी अधिकारी ये दलील देते हैं कि चूंकि इन लोगों ने स्वेच्छा से अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए उनकी वापसी जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर भारत इस दलील को नहीं मानता है। विदेश मंत्रालय सार्वजनिक बयानों में कई बार ये बात कह चुका है कि भारत के नागरिकों को गुमराह करके रूसी सेना में भर्ती कराया गया है। उनको यह भरोसा दिया गया कि उन्हें युद्ध के मोर्चे पर लड़ने की बजाय दूसरे कामकाज के नौकरियों में लगाया जाएगा। संसद में जब इस मामले को लेकर सवाल पूछे गए कि आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्या हो रही है, तो जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने मानव तस्करी के मामले में 19 संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस मामले पर जांच अब भी जारी है। जांच में अब तक इस मामले से जुड़े 10 मानव तस्करों की पहचान भी की जा चुकी है और उनके खिलाफ सक्रिय रूप से कानूनी कार्रवाई हो रही है। हालांकि मामला केवल रूस में गुमराह करके ले जाए गए भारतीय नागरिकों का नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय में दक्षिण पूर्व एशिया में भी झांसा देकर कई भारतीयों को ऑनलाइन ठगी के कारोबार में फंसाने के मामले सामने आए। जाहिर तौर पर इस मामले पर भी संसद में चिंता के कई सवाल उठे और इस मामले को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद को बताया कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कंबोडिया से 650, म्यांमार से 415 और लाओस से 548 भारतीयों को सफलतापूर्वक वापस लौटाया है। जी हां, ये वो भारतीय हैं जिन्हें झांसा देकर वहां ले जाया गया था। नौकरियों का झांसा दिया जाता है और ऑनलाइन ठगी के कारोबार में इन लोगों को लगा दिया जाता है। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इन मामलों, इन घटनाओं के मद्देनजर सरकार सतर्क है और ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में अब तक 3,042 अवैध भर्ती एजेंटों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की गई है। साथ ही साल 2021 से लेकर जून 2024 तक 4,300 से ज्यादा लोगों को अलग अलग देशों से वापस लौटाया गया है। सो अगर आप भी विदेश में नौकरी की संभावना तलाश रहे हैं तो पूरी सावधानी और जांच परख कर ही अपना विकल्प चुनिएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।